हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलजार नगर में, जहां पर नूरी अरबी मदरसा है। हम ठीक उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर खड़े हैं। यहां पर खड़े होने की सबसे बड़ी वजह जो ये है वो ये कि अभी जैसा कि आपने देखा कि एक दो दिन पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है। बारिश होने से क्या हुआ कि सड़कें तो छोड़िए, सड़कें और जो एरिए जो निचले हैं और जहाँ पर गटर की साफ़ सफाई नहीं हुई है, हुआ क्या कि बारिश होने से सारा का सारा पानी ऊपर की तरफ से बहने लगा, लोगों के घरों में जाने लगा। वहाँ तक तो चलो ठीक है, ठीक क्या है वो भी एक तकलीफ़ ही है, लेकिन उससे भी बड़ी तकलीफ़ जो है वो ये इस इलाके में नूरी अरबी मदरसे के पास। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो एरिया है, आप यहाँ पर देखिए, इधर आइए, ये देखिए फ़िलहाल अभी यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा इस गटर को, ये देखिए आप, ये गटर देखिए आप, ये साफ़ सफाई हुई है। बताइए आप यहाँ से ये किस तरीके की साफ़ सफाई हुई है कि गटर अब भी पूरी की पूरी फुल है, बारिश हो रही है और सारा का सारा पानी गटर के ऊपर से बह रहा है। ये छोटी सी गली है, आप इस एरिया का नज़ारा कर सकते हैं। ये छोटी सी गली है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि देखिए गली में कैसा पानी भरा हुआ है अभी जब एक दो दिन पहले बारिश हुई थी। तो बताइए दादी, आपको यहाँ पर क्या तकलीफ़ है? यहाँ पानी भर जाता है तो क्या होता है? अरे पानी भर जाता है, सब गटर का पानी ऊपर आता है, बारिश का पानी, इंसान को आने जाने की तकलीफ़, बच्चे गटर के पानी में गिरते हैं, नमाजी लोग जाते हैं उनका सब कपड़ा ख़राब हो जाता है। ये कब से है, ये तकलीफ़ कब से है यहाँ पर? तकलीफ़ तो बहुत दिन से है ना। मतलब कितना टाइम हो गया, साल दो साल, कितना? याद नहीं है मेरे को। ये हर बारिश में ऐसा ही होता है? बारिश में होता है, गली सब भर जाती है। ये बोलेंगे कि तीन तीन चार जने हैं सुबह 7 बजे से ये सब गटर का काम चालू कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग दौड़ रहे हैं। अच्छा, अभी अभी क्या एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से मतलब दौड़ रहे हैं आप? किस बारे में दौड़ रहे हैं? ये गटर के बारे में, मदरसे के पास सब पानी है, देखो ये गंदगी गुमुटकी सब। अच्छा। मदरसे मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ते, पारा पढ़ते, दौड़ रहे। तो मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? यहाँ गटर साफ करवा रहे हैं। साफ करवा रहे हैं, कौन करवा रहे हैं? फारूक भाई। फारूक भाई करवा। अच्छा, तो इससे पहले जब पानी भर रहा था तो आपने फारूक भाई को बोला था गटर साफ करने के लिए? खुद ही देखते हैं, करते हैं। ऐसे तो रोज भंगी आता है, म्यूनसिपालिटी वाले भंगी भी करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, जब ज़्यादा देख लेते तो फारूक भाई करते। अच्छा, एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे कि अभी दादी ने बताया कि यहाँ पर म्यूनसिपालिटी के लोग भी आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, तो जब वो आते हैं यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए तो ये जो गटर की हालत है ऐसी, तो फिर ऐसी क्यों है वो कि वो डेली साफ़ सफाई भी करते हैं और प्लस जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो फिर वही पानी गटर का ऊपर आता है? तो अगर म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी हाज़िरी लगाकर वो यहाँ पर जा रहे हैं कि भाई हम आते हैं साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन आप जीती जागती आप मिसाल आपको दिखा रहा हूँ कि ये साफ़ सफाई बिल्कुल भी यहाँ पर होती नहीं है, गटर पूरी की पूरी फुल है। लग जा रहा है, बच्चे लोग को कितनी तकलीफ है, बीमार पड़ जाएंगे बच्चे लोग। किससे आप मतलब यहाँ पर जो पानी भरता है? बहुत पानी भरता है, इतना पानी भर जाता है यहाँ। कब से हो रही है? अरे हाँ, 15-20 दिन हो गया जब से पानी भर, जब से बारिश हो। हाँ, वो फारूक आके वो साफ करा रहे हैं। फारूक भाई यहाँ पे साफ करवा रहे हैं। हमारे नगर सेवक ये काम नहीं करा रहे, नगर सेवक तो अभी वो रहे ही नहीं। तो इससे पहले जब बारिश होती थी तो पानी भरता था? हाँ भरता था, उनके पास बहुत बार गए भी हम लोग। जब भरता था तब वो साफ सफाई यहाँ पर होती थी या नहीं? अरे 3-4 महीने बाद वो गड़े वाले आते थे, ऊपर ही ऊपर थोड़ा साफ करते चले आते थे, काम कायदे से नहीं होता था। बस ऊपर का साफ करके चले जाएंगे, अंदर का नहीं, रोज रेती फेती निकालते उन लोग। साफ सफाई होना जरूरी है। आया फारूक भाई बेचारा आके साफ कराया, हम लोग बहुत बोलते बोलते तो साफ कराया। और लोगों का फिलहाल यहाँ पर कहना ऐसा है कि गटर जो है ना वो पूरी की पूरी जब फुल हो जाती है, जब नगर सेवक थे यहाँ पर, जब वो काउंसलर थे, अभी तो फिलहाल नहीं रहे, तो उस वक्त भी यहाँ पर पानी भरता था और लोग उनके पास जा के बोल बोल के थक जाते थे, लेकिन साफ़ सफाई नहीं होती थी। लेकिन अभी तो फिलहाल कोई काउंसलर है नहीं, अभी सारे के सारे समझ लो कि एक उम्मीदवार ही है, तो हर कोई अपने लेवल पर साफ़ सफाई करवाने की कोशिश कर रहा है। जैसा अभी एक यहाँ पर काम चालू है, आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे सामने, आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाइए आप, इस तरफ दिखाइए, देखिए ये किस तरह की गंदगी है। ये जो गंदगी है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ नगर सेवक और महानगर पालिका नहीं, इसके ज़िम्मेदार यहाँ के रहने वाले भी हैं कि कहीं ना कहीं वो ऐसी ऐसी जगहों पर कचरा फेंकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर कचरा ना फेंकें, जो जगह है कचरा फेंकने की वो वहाँ पर फेंकी जाए। दूसरी चीज़, अब जो यहाँ पर गंदगी हो गई है तो म्यूनसिपल कमिश्नर को चाहिए, अब क्योंकि अभी उन्हीं के हाथ में है सारा कुछ, तो उनको चाहिए कि वो जो यहाँ पर म्यूनसिपल्टी से जो लोग आते हैं साफ़ सफाई करने वाले, उनको चाहिए कि वो यहाँ पर इस चीज़ की सफाई करें ताकि लोग बीमारियों से महफूज रहें।
गटर की जो गहराई है वो आप देखिए, आप यहाँ पर ये भाई साहब जो अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं, ये तकरीबन 3 फीट की गहराई है इसकी, और अभी भी 3 फीट से ज़्यादा इसकी इस गटर में पानी रुका हुआ है। मतलब ये कि यहाँ पर कोई साफ़ सफाई होती दिखाई नहीं दे रही है। अभी ये लोग फ़िलहाल साफ़ सफाई कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि मेरे सामने ही ये अरबी मदरसा है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अरबी पढ़ने के लिए आते हैं, तो अब जब यहाँ पर 2-2, 3-3 फीट पानी भरता है बारिश में, तो फिर बच्चे यहाँ पर जाएंगे कैसे, जो नमाजी हैं वो इस तरफ से जाएंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं उन तकलीफ़ों को देखते हुए यहाँ पर साफ़ सफाई का काम जारी किया गया है। आइए आपको आगे की चीज़ें भी दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि देखिए आप, मैं जिस भी वार्ड में सर्वे कर रहा हूँ, तो अब वहाँ पर सारे गटर की जो प्रॉब्लम है, गटर के अंदर जो कीचड़, जो गंदगी जमा है, अब जब उसकी साफ़ सफाई हो रही है, तो आप देखिए यहाँ पर कितने मतलब कीचड़, कई कई फिट जो है गटर भरी पड़ी है। 5-5 साल काउंसलर रहते हैं यहाँ पर, जब वो एक बार जीत कर आते हैं उनको 5 साल का टाइम मिलता है, मतलब 5 साल में उनको इतनी सी भी फुर्सत नहीं मिलती कि एक्चुअली वो इस जो गटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकें। अभी काउंसलर बर्खास्त हो गई, तो अब देखिए यहाँ पर जो अपने पर्सनल पैसों से जो साफ़ सफाई करा रहे हैं, तो देखिए आप कितनी गंदगी बाहर आ रही है। क्या बोलेंगे भाई इस बारे में, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है गटर के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, सबसे पहला सवाल ये मेरा ये है कि आज भिवंडी में तुम देखा जाए तो लगभग पानी और गटर के मसाइल ज़्यादा है। 4.5 से 5 साल पहले हमारे यहाँ का आरिफ नगर से वह कारपोरेटर था, उससे पहले राजू नगर से वक्त, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपनी बिल्डिंगें बनाई है नगर सेवक होने के बाद में। लोगों की तकलीफें इनकी आँख से अंधे हो गए, इनको कुछ तकलीफ़ नहीं दिखती। आज तुम बाजू में देखोगे मदरसा है, मदरसे की हाल ऐसी थी पिछले जुम्मा को, जो तेने इतना पानी था 1 घंटे की सिर्फ बारिश में। यहाँ पर क्यों है वो मसला, इन्होंने जो भी बिल्डिंग बनाया बिल्डिंग को रिपेयर करके अपना काम पैसा कमा के चले गए। दूसरी तकलीफ ये, जो गटर के अंदर जो मट्टी आई उनको कौन साफ़ करेगा? उनका कारपोरेशन को तो नहीं है, उनकी जिम्मेदारी कारपोरेशन की, उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि उन्होंने बिल्डिंग बनाई है तो उसको भी साफ़ करे। वो तकलीफ़ें जो है पूरी गटर को चौकअप करके गई है। आज ये तकलीफ़ 10 साल से यहाँ पर भिवंडी, मतलब ये गुलजार नगर वार्ड में चल रही है। हम लोगों को जो भी तकलीफ़ रहती थी इससे पहले भी हम लोग ने फारूक भाई को बोले, फारूक भाई के अपने निजी तौर पर और रईस शेख को बोल के उन्होंने अपना जो भी काम कराते भाई उनसे हमको कोई तकलीफ़, मतलब ये कि हमारी चीज़ें वो सुनते। अभी 15 दिन पहले यहाँ पर पानी का मसला था, तो पानी के लिए कोई यहाँ पर आया नहीं भाई। ये बोरिंग जो है रईस शेख ने अपने मतलब फंड से लगाया फारूक भाई के बोलने पे। तो यहाँ का बोलना ऐसा है भाई कि ये इसके ऊपर ये गटर पे चैम्बर नहीं है, अंदर की सफाई नहीं है, कल के कोई बड़ा हादसा होगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? उनके पास जाते ऐसा नहीं कि नहीं जाते, हर हफ्ते 15 दिन में हम लोग एक बार जाते ही। मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी, मैं आपको वो भी सुना दूंगा। वो लोग का एक ही बोलना है कि बोले हाँ ठीक है भेजते हैं, कर्मचारी दूसरे दिन आते हैं, खाली ऊपर का साफ़ करके तुम अपना फ़ोटो निकाल के चले गए कि ये फला नगर सेवक करवाए। तो साफ़ करना ज़रूरी है कि फ़ोटो निकालना ज़रूरी है? अच्छा, एक चीज़ अभी जैसा आपने फारूक भाई को बोला कि तो कि यहाँ पर साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है, तो उन्होंने करवाया, तो यही चीज़ जो यहाँ के नगर सेवक हैं जो रह चुके हैं, आपने उनके ऊपर कभी प्रेशर बनाया इस चीज़ के बाद? मैं खुद जाके बोल रहा हूँ 2 बार ना। क्या बोलते हैं? दूसरे दिन आते वो लोग कैसा है, आएगे 5 मिनट के लिए चले गए, नीचे की सफाई कौन नहीं होती, और वो भी कैसा है ऊपर का साफ करके जाते। इससे पहले तुम बारिश से पहले ये काम कराते तो हमको तकलीफ होती, मतलब कि अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हमारे बोलने पे उन्होंने काम किया। आज बारिश निकल गई तुम टाइम पे खड़े हो गए, तो ऐसा कौन सा काम है? क्योंकि काम तो पहले से होना चाहिए, अच्छा चाहिए था ना। आज तकलीफ मतलब दे के तुम काम करा रहे हो तो लोगों को कौन सी सहूलत दे रहे हो? अच्छा, तो ये जो अभी साफ सफाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो साफ सफाई हो रही है, कितने दिनों से चल रही है ये? तो कंटिन्यू फारूक भाई ने 5 दिन से यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ पर साफ सफाई चल रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले नाला सफाई का टेंडर निकला था और हमने एक वीडियो बनाया था गुलजार नगर पे कि वो नाले की सफाई हुई थी, तो सारा का सारा कचरा उन्होंने निकाल के बाहर रख दिया था, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। तो वही नाले से ये जो गटर है उसी नाले से ये गटर कनेक्टेड है, नाले की ऊपर की साफ सफाई तो हो गई, लेकिन गटर हमने आपको दिखाई, गटर अभी भी वैसे की वैसी ही है, और जिसकी वजह से इस एरिया में पानी भर जाता है और फिर लोगों को, नमाजियों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसे में, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो क्या ये सारी जो प्रॉब्लम, ये सारी जो तकलीफ है, क्या जो यहाँ जो नगर सेवक है और जो जिम्मेदार है, क्या उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आती? क्या बोल रहे थे भाई? जाहिद भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फारूक भाई ने जो काम करवाया है पूरा नाले से, जहाँ पर मेन चौकअप था, तुम ये भी देख सकते थे ना कि पूरा नाले से तुम साफ करते करते यहाँ पर जा रहे, तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आज फारूक भाई जो भी अपने कराए, लेकिन तुम्हारी भी तो सोच वहाँ तक का जाना। चलिए ठीक है, ये काम पहले उन्होंने करवाया, तो ये काम फारूक भाई ने पहले क्यों नहीं किया? अभी इसलिए करा है क्योंकि फारूक भाई देखो यहाँ का कोई नगर सेवक नहीं है और कोई ऐसा समाज, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो नगर सेवक नहीं है तो पहले भी तो करवा सकते थे जो है वो हल करके देता है भाई। और हमारी भी कैसे, अभी हम गए ना
नहीं पहले फारूक भाई को बोलते तो फारूक भाई पहले करा देते, जब हम नगर सेवकों के पास गए जब हमारा काम हल नहीं हुआ तो फिर हम फारूक भाई के पास गए, तो फिर फारूक भाई ने काम स्टार्ट किए। फारूक भाई को भी हमने 10 दिन पहले बोले तो फिर और भी काम चालू था, पानी का थोड़ा मसला चालू था, वो इस वजह से ये काम पेंडिंग था। अब जैसे ही फुर्सत मिली तो अब गटर का काम चालू हो गया। क्या लगता है आपको नगर सेवक ने यहाँ पर काम क्यों नहीं किया? अब वो बता नहीं सकते, वो जाते थे तो भेज देते थे ऊपर, वो तो डेली सफाई होती है ऊपर। ऊपर ऊपर से डेली सफाई होती है, वो तो उनका काम ही है ना, वो तो म्यूनसिपालिटी वाले लोग, अभी तो उन्हीं का काम है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं वो, उनको करना चाहिए ना ये काम। म्यूनसिपालिटी के जो भी लोग हैं कर्मचारी साफ सफाई वाले, वो डेली यहाँ पर आते हैं, लेकिन बस वही ऊपर से ही साफ सफाई होती है। और ये सिर्फ इसी एरिया का नहीं, पूरी भिवंडी का यही मसला है कि जहाँ जहाँ पर भी साफ सफाई होती है वो सिर्फ ऊपर से होती है, अच्छी तरीके से सफाई नहीं होती। ये देखिए इस एरिया में ये भी एक जगह है जो शायद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको आज कचरा कुंडी बना दिया गया है, कि आसपास की जो भी बिल्डिंग है, जो भी घर वाले जो भी यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे कचरा यहीं पर फेंकते हैं। चाल वाले के जो है बहुत परेशानी हो रही है, घर में इतना कीड़ा जा रहा है, खाना पीना हराम है। अच्छा, तो यहाँ पर ये कचरा कौन फेंकता है, क्योंकि आप लोग ही आसपास में रहते हैं? अपने ये बिल्डिंग वाले फेंक रहे हैं, दूर दूर के आके रात बिरात आके फेंक जाते, किसको बोलने जाए, दूर दूर के आते फेंकते, बोलते इसमें कचरा है तो कचरा नहीं फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, हम लोग को तकलीफ हो रही है ना। कौन बोलता है ये बात की कचरा है तो कचरा फेंके, जिसको बोलो जो फेंकने आता है वो बोलता है ना कि सब फेंक रहे तो मैं भी फेंकूंगा। ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि धीरे 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 कचरा फेंकते फेंकते इतना ज़्यादा अब यहाँ पर कचरा हो गया है कि ये पूरी की पूरी आप देखिए कचरा कुंडी बन गई है। और अब जो है तो इस एरिया का जो बिल्डिंग में रहने वाले आसपास के लोग जो रहने वाले हैं वो सारे के सारे ने इसको कचरा कुंडी समझ लिया है और सब अपना कचरा अब यहीं पर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आप आसपास में घर देख रहे हैं, इन सारे लोगों को इस चीज़ से अब दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि गंदगी फैल रही है, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, खाना पीना खाते वक्त बदबू आती है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अब यहाँ पर होना शुरू हो गई है। होती रहती है तो पूरा कचरा बह के यहाँ सब आते रहते हैं, इसी में से घर के बाहर निकलना दुश्वार हो गया। जगह जिसकी है आपने उसको इन्फॉर्म किया, किसकी जगह बोले? क्या बोले? यहाँ है ही नहीं, वहाँ पे जिसकी ज़मीन है वो है ही नहीं, जिसके यहाँ लूम उम था इसमें सब बिक गया, और जो जो अपना अपना खाली करके चले गए, सब गंदगी ये कचड़ा कचड़ा फेंकने लग गए। देखो ना, इतनी तकलीफ थी, वो तो बेचारे फारूक का बहुत बहुत एहसान है जो आके कर दिए, नहीं तो इतने पानी में घर में भरने लग गया था। नगर सेवक के पास गए, वो भी कुछ सांस नहीं लिए, कुछ सुनवाई नहीं, फिर वो आए, पानी की इतनी तकलीफ थी, वो बेचारे पानी हम लोग को 4 दिन पहुंचाए घर पे, अपने हाथ से पानी भर के दिए, बहुत उनका एहसान है। अभी तो वापस से नगर सेवक आने वाले हैं आपके दरवाजे पे, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला, तो क्या करें? हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट देना तो आपका हक बनता है, वोट तो आपको देना है। हम लोग जिसको हमारा हमको जो कर रहे हैं हम उनको करके देंगे वोट। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, ऐसे उम्मीदवारों के लिए कि जो सिर्फ इलेक्शन में खड़े होना जानते हैं या सिर्फ हाजिरी लगाना जानते हैं कि मैं भी काउंसलर हूँ, उनके लिए एक मैसेज है कि जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक उनको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ कि ये है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि साफ़ सफाई होती है, उनके जो कर्मचारी हैं वो भी क्या करते हैं कि जब वो साफ़ सफाई करते हैं तो फ़ोटो वगैरह खिंचवा के दिखा देते हैं, तो जब वो साफ़ सफाई करते हैं तो आखिर ये सारा चीज़ें, ये सारा कचरा आता कहाँ से? चले देख रहे हो आप, ये मैं किस तरीके से यहाँ पे चल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से अलग अलग जगह से फांद फांद के जाना पड़ रहा है। बोलिए, 6 साल से ये नाली भर रही है, जो जीता है आरिफ दादा कभी जिंदगी गली में आते नहीं है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मैं तो काम करवा के देता हूँ, मेरी ऐसा कैसा काम कराते हैं, बुलाओ तो सामने हम लोग के। एक बार मेरी उनसे बात हुई थी तो बोलते कि जो भी मसला होता है तो हम लोग के सामने लाने का ना, आपस में क्या मांडवाली करते हैं तुम लोग? आपस में मांडवाली नहीं, मैं उनसे पूछने गया था कि आप काम करते हो कि नहीं, कि तो बोले कि नहीं मैं काम करता हूँ। ऊपर से आते गवर्नमेंट वाले गटर साफ करने वाले पन्नी निकाल के चले जाते, आज ये पहली बार फारूक भाई के बदौलत ये कचरा निकला है, नहीं तो कोई आरिफ दादा को आपने ऐसा बोल के काम करवाया, कभी उनको बोला है इस बारे? अरे कभी जीतने के लिए वोट लेने आते ना नमस्ते करके, वैसे तो कभी कोई नहीं आता है। हाँ, किसी की मैयत पे नहीं आते तो गड्ढा साफ कराने आएंगे। तो अभी तो इलेक्शन फिर से आने वाला है, तो फिर क्या करेंगे? फारूक भाई को देंगे। अच्छा, आप क्या बोलेंगे खाला?
हाँ वही बात जो आप बोल रहे हैं ना, बहू है ये जो तकलीफ है इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके तकलीफ हम लोग को बहुत तकलीफ है, ये आते हैं गटर साफ करने वाले और ऊपर से अपना साफ करके चले जाते हैं, है ना, गंदा पानी बहता है ना, तो बच्चे अगर नहा के नमाज जाएंगे कैसे जाएंगे? बात है फिर वो तो नहीं आ सकता, पास नहीं होता भैया ना, इसके लिए देखो उनसे बोला गया है, फारूक आए हैं प्राइवेट ला के साफ करा रहे हैं, वो बोले बोले चाची फारूक भाई को क्या गरज पड़ी है, तुम जीते हो ना, पानी भरा नहीं भरा देखने आने का ना। फारूक भाई तो फिलहाल अभी सोशल वर्कर हैं इस काम इस एरिया के, मुसीबत में वो बंदा हाजिर रहता है। हाँ और दूसरे नगर सेवक जो रह चुके वो नहीं, हाँ कोई आता ही नहीं है। ठीक है, इस एरिए के जो रहवासी हैं, अगर जो नगर सेवक रह चुके या जो उम्मीदवार अभी होने वाले हैं, उनको ये सुनना चाहिए कि लोगों के अंदर गुस्सा है कि जो पुराने नगर सेवक रह चुके वो यहाँ पर झांकने नहीं आते। उनका कहना ऐसा है कि मैयत भी हो जाती है तो नहीं आते। एक बार हमारी उनसे बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं मसले सॉल्व करता हूँ, मैं प्रॉब्लम को सुनकर उनकी जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, हर कोई अब यहाँ पर सोशल वर्कर के ज़रिए ही काम करवा रहा है। तो जो नगर सेवक रह चुके क्या उनको वापस से नहीं खड़ा होना? अगर उनको वापस से खड़ा होना है इस बार फिर से, तो ये जो काम जो सोशल वर्कर कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो खुद भी ये काम यहाँ पर आकर करे, इस मोहल्ले में घर घर जाकर उनकी तकलीफ़ को पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, पानी को लेकर, गटर को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर या लाइट को लेकर, जो भी तकलीफ़ है वो यहाँ पर आए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें।